हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कढ़ी पकोड़ा या पंजाबी स्टाइल कढ़ी कई बार खाई होगी, पर आज हम एकदम अनोखे स्टाइल से कढ़ी बॉल्स बना रहे हैं। इस कढ़ी बॉल्स की रेसिपी में हम लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम ये कढ़ी बॉल्स अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है उस समय बना सकते हैं, या आने वाली नवरात्रि में बना सकते हैं, या दिवाली पर भी हम इसे बना सकते हैं। कई बार तीज त्योहारों पर हम बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाने में आ जाता है या भारी फूड खाने में आ जाता है, उस समय ये रेसिपी एकदम अप्रोप्रिएट रेसिपी है। इस कढ़ी बॉल्स की रेसिपी ऐसी है कि यह हमारा टेस्ट तो रिफ्रेश करेगी ही और ये साथ में स्टमक फिलिंग भी है। तो आइए अब हम कढ़ी बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्लीज प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, कढ़ी बॉल्स के लिए हम आज बेसन के कढ़ी बॉल्स बना रहे हैं। इसमें हम चने की दाल के भी कढ़ी बॉल्स बना सकते हैं, पर आज हम बेसन के बना रहे हैं कढ़ी बॉल्स। तो कढ़ी बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिया है राई, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, शुगर जो कि ऑप्शनल है, और दही, मीडियम खट्टा दही है, बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं और एकदम माइल्ड भी नहीं, मीडियम खट्टा दही एक कप लिया है, बेसन एक कप लिया है, नमक, घी हमें लेना है, और हरा धनिया, हिंग, और बॉल्स बनाने के लिए तेल, और उसमें हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च और करी लीव्स। कढ़ी बॉल्स बनाने के लिए हम पहले बॉल्स बनाएंगे, बॉल्स की तैयारी कर रहे हैं। बॉल्स हम, मैंने आपको पहले भी बताया कि चने की दाल के भी बनाए जाते हैं, पर आज हम बेसन के बॉल्स बना रहे हैं। उसके लिए हम पहले बाउल में बेसन लेंगे। अब हम बाउल में बेसन ले लेते हैं और थोड़ा बेसन हमें कढ़ी के लिए रखना है। 2 चम्मच ऑलमोस्ट बेसन हमने कढ़ी के लिए रखा है, बाकी का हम बॉल्स बनाने के लिए ले रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिंच हल्दी पाउडर और थोड़ा हिंग हमें इसमें डालना है। हिंग तो बेसन में बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है और पचने के लिए भी अच्छा होता है हिंग। हिंग डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून। दरदरा धनिया पाउडर है ये, एकदम बारीक वाला मैं पसंद नहीं करती हूँ, ऑलमोस्ट मैंने घर पे ही दरदरा पाउडर पीस रखा है धनिए का। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा, बहुत अच्छा टेस्ट जीरा भी आता है इसमें, और हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार थोड़ा नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, मोयन के लिए हमें थोड़ा तेल डालना है। सोडा मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सोडे का स्वाद भी ज्यादा अच्छा नहीं आता है, बॉल्स का टेस्ट बिगड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ तेल, छोटे 2 चम्मच तेल है इसमें मैंने डाल दिया है। चम्मच बड़ा था पर मैंने लिया कम कम है, अब मैं सबको मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये बेसन की चीज है, इसमें थोड़ा मोयन होना चाहिए, यदि हम कम मोयन से बनाएंगे तो जब हम इसको फोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे बॉल्स। थोड़ा सा, छोटे चम्मच मैंने डाला था, थोड़ा सा मोयन में और लेना चाहूंगी इसमें, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे बॉल्स हार्ड हो जाएंगे और सोडे का स्वाद हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम मोयन से ही इसको कवर करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच या 3 छोटे चम्मच मोयन ऑलमोस्ट इसमें लिया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मोयन अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको गूंथना है, पानी बिल्कुल संभाल कर थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से पानी न डाले बेसन में, बहुत जल्दी ये पानी इसमें ढीला कर देता है बेसन को, इसलिए एकदम संभाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका डो प्रिपेयर करना है। इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया है, बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं और टाइट भी नहीं होना चाहिए ये, इसको हमें बॉल्स को कढ़ी में उबालने हैं, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ढीला भी नहीं। इस तरह से ये डो तैयार हो गया है, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर हम इसके बॉल्स बना लेंगे, मीडियम साइज के बॉल्स बना रहे हैं हम, आप चाहे जितने छोटे बड़े बॉल्स बना सकते हैं।
ये हमारे बॉल्स रेडी है, अब हम कढ़ी बनाते हैं। अब हम कढ़ी बनाने के लिए एक तपेली लेंगे, उसमें हम ये 2 चम्मच बचा हुआ बेसन इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम ये मैंने 1 कप भर के गाढ़ा दही लिया है, इसको मैंने थोड़ा फेंट लिया है अच्छी तरह से। बहुत ज्यादा खट्टा दही भी नहीं है और एकदम माइल्ड भी नहीं है, मीडियम खट्टा दही है। इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये मैंने बेसन और दही को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बेसन के लम्स नहीं पड़ते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे। फिर से मिक्स कर लेते हैं सबको अच्छी तरह। कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए थोड़ा पानी और मिला देते हैं। जैसे ही ये उबाल आएगा कढ़ी में तो इसका बेसन से कढ़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी। अब हम इसको गैस पर रख लेते हैं। ये मैंने कढ़ी को उबलने के लिए रख दिया है गैस पर, जिससे कि हमने जो इसमें बेसन घोला था वो भी अच्छी तरह पक जाएगा। इसको हमें कंटिन्यूस हिलाते रहना है जिससे कि नीचे ये लगे नहीं। अब ये कढ़ी हमारी उबलने लग गई है, गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं। और इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा नमक स्वादानुसार। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप पानी डाल सकते हैं इसमें और कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार डालना है हमें। और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप न डालें, ये ऑप्शनल है। मैं इसमें 1 चम्मच शक्कर मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा इस तरह हिला देंगे, नहीं तो शक्कर है नीचे बैठ जाती है एकदम। इसको मिक्स कर दिया और अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक। मैंने एकदम बारीक ग्रेट कर लिया है बारीक ग्रेटर से। आप चाहे तो इसको इस तरह भी डाल सकते हैं, पर कढ़ी क्या खाने की नहीं पीने की चीज ज्यादा है, पीने की रेसिपी है, जिस सूप की तरह इसे पिया जाता है। तो मैं इसको इस तरह से हाथ में लेना है और इस तरह से इसका जूस निकाल के हम डाल सकते हैं। जिससे बच्चे हैं कोई या जिसको भी पसंद नहीं है अदरक मुंह में तो वो इस तरह ले सकता है। यदि आपको पसंद है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये कढ़ी में हमारा उबाल आ गया है, थोड़ा सा गैस को धीमा कर देते हैं। अब हम इसमें जब कढ़ी उबलने लग जाए उसके बाद ही हमें ये बेसन के बॉल्स में डालने हैं, जिससे कि नीचे चिपकते नहीं है। इसमें जब कढ़ी में उबाल आ जाता है तो ये नीचे चिपकते नहीं, इसलिए उबाल आने के बाद ही डालना है। और इसको भी हमें अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए कढ़ी में उबलने देना है, पकाना है। ये अपने आप बॉल्स भी थोड़े पक जाएंगे, फिर ऊपर आ जाते हैं। इसको हिलाते भी रहना है जिससे कि नीचे नहीं चिपके। ये कढ़ी हमारे यहाँ अक्सर तीज त्योहार पर बनती है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है तो एकदम सात्विक भोजन, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम संडे को भी कई बार हम इसे बनाना प्रेफर करते हैं। कढ़ी बॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी जरूर बनाइए ये कढ़ी बॉल्स की रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब कढ़ी को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लिया है। अब हम इसको इस साइड वाले गैस पर ले लेंगे और इधर शिफ्ट कर देंगे और इसमें हम कढ़ी के लिए बघार बनाएंगे। बघार के लिए हम 1 चम्मच घी लेंगे। घी थोड़ा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा राई डाल देते हैं। ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून राई है और 1/4 टीस्पून हमें इसमें जीरा डालना है। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके रखा है, ये इसमें डाल थोड़ा मीडियम साइज का कट किया है, एकदम बारीक नहीं कट किया है, जिससे कि मुंह में ना आए कोई, इसे आसानी से निकाल सके। और मिर्ची और करी लीव डालेंगे हम थोड़ा इसमें, मिक्स कर देते हैं सबको अच्छी तरह। एकदम धीमी आंच रखी है मैंने। करी लीव्स का बहुत ही अच्छा स्वाद और फ्लेवर आता है इसमें, स्वाद भी आता है फ्लेवर भी आता है, बहुत अच्छा सुगंध बहुत खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें डालती हूँ कढ़ी में भी हम थोड़ा सा हिंग डालेंगे। अब
अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब ये बघार को हम कढ़ी में डाल देते हैं और कढ़ी का भी गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया भी मिक्स कर देंगे। बॉल्स को भी बघार के साथ बघार डालकर खाया जाता है रोटी के साथ। इसके लिए मैंने तेल गरम किया है और इसमें राई डाल दी है और गैस को बंद कर दिया है। राई अच्छी तरह फूट गई है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और ये बघार को ऊपर से लिया जाता है बॉल्स के ऊपर। ये हमारे कढ़ी बॉल्स रेडी है। इस कढ़ी को राइस के साथ खाया जाता है और बॉल्स को अलग से भी इस तरह से बघार डालकर खाया जाता है। ये जो हमने राई और लाल मिर्च का बघार बनाया है, ये बघार डालकर बॉल्स को अलग से चपाती के साथ भी खाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये एकदम अनोखे स्टाइल के कढ़ी बॉल्स की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।